Hey, this is Kamil and you're watching Cam Design. So in this video, I will teach you how can you edit your image in Corel. Yes, you heard right, in Corel. Corel has launched a new feature, or you can say new separate app, Corel Paint, in which you can easily reduce minor mistakes if you have in your image. Okay, so you have to watch the whole video. If you have not subscribed yet my channel, please subscribe the channel and don't forget to press the bell icon to get triple T tips, tricks and tutorial. So without any further ado, let's get started on this video. तो दोस्तों मैं जा रहा हूँ ये ओपन करने कोरल फोटो पेंट. यहाँ पे हमारा कोरल फोटो पेंट है, ठीक है. ये कोरल ड्रॉ है, ये कोरल फोटो पेंट है. तो यहां से मैं इस पर डबल क्लिक करके ओपन कर लूंगा, ठीक. तो एक आध दो सेकेंड इसका इंटरफेस खुलने में टाइम ले लेगा, ठीक है. तो अभी हम देखते हैं कि इसमें हम कैसे इजीली एडिट करेंगे. फॉर एग्जांपल, इफ यू हैव पिंपल ऑन योर फेस एंड यू वांट टू रिमूव और यू वांट टू कट योर इमेज इन कोरल, देन यू कैन इजीली डू दैट. ओके, सो वेलकम टू अमेजिंग लैंड ऑफ कोरल. ये हमारा कोरल खुल चुका है. तो हम अपनी इमेज लाएंगे. तो फाइल हमें इम्पोर्ट करने का तरीका बताइए. यहाँ से एक फाइल करके इम्पोर्ट कर सकते हैं या तो हम डायरेक्ट इस पर ड्रॉप कर लेंगे. तो मैं डायरेक्ट ड्रॉप करूँगा यहाँ से. मैं, ये मेरी इमेज है, मैं डायरेक्ट इस पर ड्रॉप कर दूंगा. ये हमारी इमेज ड्रॉप हो गई, ठीक है. अब जैसे ये पिंपल्स है और हमको पिंपल्स रिमूव करना है, ठीक. तो चलिए हम देखते हैं. तो इसमें सारी चीजें मैं अभी आप लोगों को, अगर आप चाहते हैं तो मैं बता सकता हूँ, मगर मैं अभी आपको यहाँ पे पिंपल रिमूव की वीडियो दे रहा हूँ, ठीक. तो यहाँ से आप इस पे आइए, इस आइकन पे, ठीक. इस पे यहाँ पे ये छोटी चेरी बने, इस पे क्लिक करिए और ये क्लोन है हीलिंग क्लोन, और इसका शॉर्टकट 0 दिया भी है. तो हीलिंग क्लोन लिया हमने, ठीक. अब यहाँ से हम सैंपल लेंगे. अब सैंपल के लिए आप ध्यान दीजिए, मैंने क्या प्रेस किया, राइट क्लिक किया और जी देख रहे हैं. देखिए फोटोशॉप की तरह ये इंस्टेंट वो नहीं करता, सॉरी. हाँ, तो कहा क्या बता रहा था, फोटोशॉप की तरह इंस्टेंट वो तो नहीं करता ये, मगर ये है कि माइन्यूट वो होगा तो ये आपका एडिट कर देगा. जैसे अभी ये, अब जैसे आपको सैंपल दूसरा करना हो तो आपको क्या करना होगा, जिस पे ले जाइए फिर राइट क्लिक करिए. अब ये यहाँ का सैंपल लेगा और अब लेफ्ट, ठीक. ये यहाँ देखिए यहाँ का पिंपल इसने गायब कर दिया, ऐसे ऐसे करके ये यहाँ का भी गायब कर देगा, ठीक है, ठीक. तो मैं इसमें एक टूल और है वो देखता हूँ, क्लोन, क्लोन देखता हूँ मैं, ठीक. मैंने यहाँ लिया ये, ठीक ये. अब मैंने फिर इसको राइट क्लिक किया, यहाँ सैंपल लिया ये, देख रहे हैं आप. तो इस तरह क्लोन टूल हमारा, यहाँ का सैंपल लिया, यहाँ का सैंपल लिया. तो ये सिमिलरली जैसे हमारा फोटोशॉप काम करता है, वैसे ही ये इसका हीलिंग और क्लोन स्टैम्प टूल काम करता है सिमिलरली. बस इसका थोड़ा प्रोसेस में फर्क है, ठीक है. जैसे इसमें थोड़ा इजी है, राइट क्लिक करके आप सैंपल तुरंत कर सकते हैं, उसमें ऑल्ट
होल्ड करके आप सैम्पलिंग करते हैं। तो ये देखिए, ये मैंने कंट्रोल जेड करिए, अब इसको फिर सैंपल करिए यहाँ से, ठीक है। तो ये इसका रिमूव हो गया। अब जैसे मुझे इसको वाले को करना है, ये छोटा पिंपल, तो यहाँ से मैंने राइट सैंपल लिया, ठीक, ये हो गया। फिर यहाँ से राइट सैंपल लिया, ये हो गया। तो इसका ये पिंपल इसने रिमूव कर दिया। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा कलर वेरिएशन दिख रहा है, तो आप इसको अपने अकॉर्डिंग यहाँ से सैम्पलिंग करके इसको वो कर सकते हैं अपना एडजस्ट, ठीक है। ये पिंपल रिमूव, इसमें हम क्रॉप भी कर सकते हैं, क्रॉप वगैरह भी इसमें हम कर सकते हैं इस तरह से, ठीक। जितना हम सिलेक्शन मारेंगे उतना ये सिलेक्ट करेगा। अब क्लियर करेंगे या क्रॉप करेंगे, क्रॉप, ठीक, ये क्रॉप हो गया जितना मैंने सिलेक्शन लिया था, ठीक है। कंट्रोल सेट किया मैंने, पहले इस विंडो पे आइए, कंट्रोल जेड, ये हमारा हो गया। अब हम क्लियर देख लेते हैं, मैंने सेलेक्ट किया क्लियर, अच्छा, मतलब ये हटाना है आपको। जैसे इसने आप क्रॉप किया तो विंडो क्लियर हो गई, क्रॉप हट गया, ठीक है। क्रॉप साइज कस्टम आप ले सकते हैं उसके अकॉर्डिंग, और यहाँ से भी कर सकते हैं। तो इरेजर टूल भी है इसमें, जैसे उसमें हमारे फोटोशॉप में, ठीक। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, और बाकी इसमें अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।